हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आज एक बनाऊंगी मैं हेल्दी टेस्टी सा ड्रिंक्स, आप बहुत आदमी के पसंदीदार है। लस्सी, मैंगो लस्सी, वो भी बनाऊंगी गुड़ से, क्योंकि आजकल चीनी एकदम अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, इसीलिए मैं गुड़ से बनाऊंगी। स्टार्ट करती हूँ। पानी में थोड़ा सा पहले मैं गुड़ भिगो लेती हूँ, अच्छे से वो भीगना चाहिए, उसके बाद इसको छानना है। अभी मैंने आम कट लिया है, पील कर लिया है, इसको छोटा छोटा कट लगाऊंगी। अभी मैं एक मिक्सर में दही, एक कटोरी दही जो आम कट के रखी थी, दो वो डाल के ग्राइंड कर लूँगी। चलिए, मैं ग्राइंड करने के बाद आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है। अभी इसके अंदर में जो भिगो के गुड़ रखी थी वो छान लूँगी। ऐसा हो गया है गुड़ मेरा, अभी इसके अंदर इसको छान लेते हैं। छान लिया मैंने, देखिए कितना गंदगी है, सब निकल गया है। गुड़ में थोड़ा गंदा रहता है नीचे में। अभी इसके अंदर जाएगा नमक, जो हम लोग बीट नून बोलते हैं, जो काली नमक है वो थोड़ा जाएगा। देखिए चला गया। अभी इसके चम्मच की मदद से मैं मिक्स कर लेती हूँ। और जो खास चीज़ है अभी मैं इसके अंदर डालूँगी, वो है मेरा मसाला, भुना हुआ जीरा मसाला। वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी कैसे भुना हुआ जीरा मसाला रेडी करती हूँ। चलिए दिखाती हूँ। ये मैं मसाला रेडी करती हूँ। अभी एक तवा बैठा लिया है ओवन में, तवा गर्म हो गया है। उसके अंदर एक रेड मिर्च, सूखा हुआ रेड मिर्च, और थोड़ा सा जीरा मैं ऐसे ही भून लेती हूँ। थोड़ा सा भूनने के बाद इसको मैं कूट लूँगी। देखिए, वो मैंने भून के एक सिलपट्टा के अंदर रख दिया। आपके पास ग्राइंडर से आप कुछ भी करके ये कूट ले सकते हो। मैं छोटा सा एक सिलपट्टा है उसमें कर लेती हूँ। मेरी मसाला रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर जाएगा जो रखी थी मैंने मसाला, वो मसाला चला जाएगा पूरा। और आइस, ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते। मैं डाल रही हूँ। अभी इसको मिक्स कर लूँगी। ये मसाला बहुत टेस्टी होता है, आप डाल के एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद इसको मैं प्लेटिंग कर लेंगी एक ग्लास में। खाने में बहुत ही टेस्टी है, एक बार खा के देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। देखिए मेरा रेडी हो गया है आम लस्सी, बहुत ही टेस्टी है। इसको आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।